हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता और आज लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी की रेसिपी। और आज हम बनाएंगे चुकंदर की पत्तियों से पकौड़ी। जी हाँ, आज हम पत्तियों का पकौड़ी बनाने वाले हैं और वो भी इतनी टेस्टी और हेल्दी, जिसको आज बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से, और झटपट हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा हमारा 5 मिनट के अंदर। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे नई न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और हाँ, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर भी मार दीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंड्सों के पास मेरा रेसिपी पहुँच सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बनाएंगे चुकंदर की पत्तियों से पकौड़ी, तो हमने ले लिया है 2 ताजे हरे चुकंदर। और ये देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर पत्तियां हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो चलिए अब हम इन पत्तियों को काट के निकाल लेते हैं। हम डंठल्स को नहीं काटेंगे, सिर्फ पत्तियों को ऊपर वाले हिस्से से काट के निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने 2 चुकंदर की सारी पत्तियों को काट के निकाल लिया है। और अब इन पत्तियों को हम एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे चाकू से। वैसे तो सबको पता है चुकंदर हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि चुकंदर के साथ साथ चुकंदर की पत्तियां भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। तो अब से चुकंदर की पत्तियों को फेंकना नहीं है, क्योंकि इन पत्तियों से हम हेल्दी और टेस्टी पकौड़ियां बना के खाएंगे। तो ये देखिए हमने चुकंदर की पत्तियों को एकदम बारीक कटिंग कर लिया है और एक प्लेट में हमने रख लिया है। और अब हम ले लेंगे 1 आलू और 1 छोटी कटोरी मटर, लगभग 1 मुट्ठी हमने हरा मटर ले लिया है। और फिर ले लेंगे 2 हरी मिर्च, फिर छोटा सा हम ले लेंगे अदरक का टुकड़ा, और 4 से 5 लहसुन की कलियां हम ले लेंगे। और फिर लहसुन की कलियों को अच्छे से हम छील कर साफ कर लेंगे, और अदरक को भी हम छील के साफ कर लिए हैं। और फिर हरी मिर्च और लहसुन और अदरक को हम एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे। और फिर हम आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये देखिए हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को एकदम बारीक काट लिया है, और फिर हमने आलू को भी एकदम बारीक काट लिए हैं। तो चलिए अब ले लेंगे 1 बड़ा बाउल, और बड़े बाउल में हम डाल लेंगे सारी चुकंदर की पत्तियां। और ये देखिए हमने सारी पत्तियों को डाल लिया है बाउल में। और अब हम बाउल में डाल लेंगे सारी कटी हुई आलू, फिर हम बाउल में डाल लेंगे 1 छोटी कटोरी मटर, और ये देखिए हमने मटर डाल लिया है। फिर हमने जो हरी मिर्च काट के रखा है उसको डाल लेंगे, फिर हमने जो लहसुन और अदरक को काट के रखा है वो भी हम डाल लेंगे इस बाउल में। और फिर हम इसके ऊपर डाल लेंगे 3 बड़ा चम्मच बेसन, और ये देखिए हमने बेसन डाल लिया। और फिर हम डाल लेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच हींग, और फिर 1 छोटा चम्मच हम डाल लेंगे नमक। और फिर 1 चम्मच की सहायता से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। और मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। पानी हमें कम से कम यूज करना है, क्योंकि चुकंदर की पत्तियों में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है, इसलिए हम पानी 1/2 कप से भी कम डालें तो काम हमारा हो जाएगा। और ये देखिए हमने 1/2 कप पानी डाल के हाथों से अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे, और फिर 5 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट बाद हम इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमने एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ, और गैस को कर लेंगे ऑन, और उस पर रख लेंगे एक पैन, और पैन में डाल लेंगे हम खूब सारा तेल, ताकि हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से डीप फ्राई हो सके। और तेल गर्म हो जाने पर हम डाल देंगे पकौड़ियों को छोटे छोटे साइज में, और ये देखिए हम चम्मच से ही डाल रहे हैं, आप चाहे तो हाथों से भी डाल सकते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे पकौड़ियाँ हमने पैन में डाल दी हैं। अब इन पकौड़ियों को हम गोल्डन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से पलट के। तो ये देखिए हमारी एक साइड से पकौड़ियाँ गोल्डन हो चुकी हैं, अब हम सारी पकौड़ियों को पलट देते हैं ताकि दूसरे साइड से भी गोल्डन हो जाए। और ये लीजिए हमारी दोनों साइड से पकौड़ियाँ एकदम गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब हम पकौड़ियों को तेल से छान कर निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। और ये लीजिए फाइनली हमारा चुकंदर की पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए इस पत्तियों की गर्मा गर्म पकौड़ियों को हम सर्व कर लेते हैं धनिया की चटनी और टमाटो केचप के साथ।
और साथ में टेस्ट भी कर लेते हैं। और यकीन मानिए, ये पकौड़ी जितनी ही टेस्टी है उतनी ही हमारे हेल्थ के लिए हेल्दी भी है। तो देखा आपने कितना सिंपल, कितना आसान तरीके से हमने इतनी हेल्दी और टेस्टी पकौड़ी तैयार की। तो देर किस बात की, चाहिए फटाफट आप भी ये वाली पकौड़ी एक बार जरूर बना के टेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हम चलते हैं आपके लिए ऐसे न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। आशा करती हूँ मेरा रेसिपी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी मार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और घर पे बनाइए, घर का खाइए और स्वस्थ रहिए।